हाँ मैंने कर लिया चेक, आपने करी गलत रखे तो क्या चेक करूंगा। अब ये तो क्या बताऊँ, फिर एग्जाम में कैसे होगा। सब कोई आ गए, सबने कर लिए, आपने नहीं की बस। आप पीडीएफ बना के क्यों नहीं भेजते हो? ये LIT MIT किए थे अपन ने, ये था U इज इक्वल टू X1 X2, जो इसका फर्स्ट हमने बना बताया था, V इज इक्वल टू था X1 स्क्वायर X2 स्क्वायर। अब इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं क्या, X1 X2 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे ये क्या आ गया U, ये हो गया U स्क्वायर। अब इसको डिफ्रेंशिएट किया अपन ने V विद रेस्पेक्ट टू U, तो इसको अपन ने डिफरेंशिएट किया वी का यू के रेस्पेक्ट में, तो क्या आ गया, 2U आ गया, है ना। यू यहां पे क्या है, वेरिएबल है, और ये जो वैल्यू है क्या है, पॉजिटिव है, क्या है, पॉजिटिव है, वेरिएबल है, तो क्या हो जाएगा, ये MIT। ठीक है, आप पता नहीं क्या कर रहे हो, है ना, पता नहीं 2X1 कैसे हो गया बीच में, 2X1 प्लस 2X2 के मतलब कौन से भगवान आ गए इसके अंदर, ऐसे करते हुए जाने क्या क्या कर दिया आपने। मैंने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं था, मतलब वैसा कुछ किया ही नहीं था जैसे आप कर रहे हो। फिर दूसरा क्वेश्चन था इसका कि V इज इक्वल टू 4X1 X2 प्लस 17, तो आपने यहाँ पे लिखा U 4U प्लस 17, इसको आपको डिफ्रेंशिएट करना है U के रेस्पेक्ट में, ठीक है, तो क्या आएगा, 4 आएगा। आपका U आ रहा है या क्या आ रहा है पता नहीं, क्या आ रहा है, पॉजिटिव एंड वेरिएबल। ये वेरिएबल कैसे हो सकता है, 4 तो कांस्टेंट वैल्यू संख्या है, तो ये आएगा पॉजिटिव एंड कांस्टेंट। तो आपको अभी ये मालूम ही नहीं है कि वेरिएबल क्या चीज होती है और कांस्टेंट क्या चीज होती है, तो ये LIT हो गया। मतलब इसलिए मेरे को थोड़ा सा अच्छा लगा कि आप लोगों ने। फिर दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन था V इज इक्वल टू 2, क्या था ये, 2 log X1 प्लस 2 log X2, इसको आपने किया log X1 का स्क्वायर प्लस log X2 का स्क्वायर, फिर अपन ने क्या किया, log X1 स्क्वायर X2 स्क्वायर, फिर अपन ने किया क्या, log U स्क्वायर, क्योंकि इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं log X1 X2 का होल स्क्वायर, X1 X2 का होल स्क्वायर U स्क्वायर, या इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं 2 log U। अब इसको अपन ने डिफ्रेंशिएट किया V का U के रेस्पेक्ट में, तो क्या आएगा, 2 1 अपॉन U, तो ये क्या आएगा, 2 अपॉन U आ गया, 2 अपॉन U आ गया। ये क्या हो गया, पॉजिटिव एंड वेरिएबल, तो ये क्या हो गया, MIT हो गया। और क्या था, फिर तीसरा एक क्वेश्चन था V इज इक्वल टू X1 स्क्वायर X2 क्यूब, तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं X1 स्क्वायर X2 स्क्वायर इंटू X2, ये हो गया क्या, U का स्क्वायर इंटू X2। तो ये पूरा का पूरा ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो तो इसको लिखेंगे नाइदर LIT नॉर MIT, ना तो LIT है ना MIT है, आप पता नहीं क्या क्या ज्ञान लगा रहे हो। प्रेरणा आप भी इसको ऐसे लिख रहे हो कि यहां पे U जो है इसको कांस्टेंट लिख रहे हो, LIT लिख रहे हो, और फिर मैंने आपको एक उसमें लिख के भी लिखा था कि क्या बोलते हैं, ये इसके ऊपर लगा के क्वेश्चन मार्क भी लगाया, फिर भी आप पूछ रहे हो सर फिर ये कैसे होगा, मतलब मजे वाली चीज हो जाती है ना।
और दूसरा जो क्वेश्चन था क्यू वन रेस टू पावर आर क्यू टू वाला, वो तो अब इसके अंदर आर क्यू टू है, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है। आप पूछ रहे हो सर इसमें एफ लगा हुआ है क्या, कहीं पे आप एफ वन यूज कर रहे हो, कहीं पे एफ टू यूज कर रहे हो, मतलब कहाँ लिखा हुआ है इसमें एफ वन एफ टू। और फिर ऐसा लगता है कि जैसे सारा पढ़ा पढ़ाया सारा क्या हो गया, खराब हो गया। अब इसके अंदर हमको प्रूव करना है कि एस वन वन पी वन प्लस एस वन टू पी टू इज इक्वल टू जीरो। अब आपको क्या करना चाहिए था कि एस वन वन और एस वन टू क्या चीज होती है। एस वन होता है डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, एस वन टू क्या होता है क्रॉस सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। तो वो कैसे कैलकुलेट करोगे, तो वो डेफिनेट स्लट्स की इक्वेशन बनेगी और स्लट्स की इक्वेशन उसकी बनेगी और फिर सॉल्व होगा। कल नई क्लास हुई तब भी किसी ने कुछ भी नहीं किया। एक्चुअल में क्या मेरे को दिक्कत ही हो जाती है कि क्या बोलते हैं क्वेश्चन देता हूँ तो उल्टा सारा मेरे को ही करना पड़ता है, फिर वहां थोड़ा सा क्या होता है। और ये क्वेश्चन आरएसक्यूसी के अंदर हमने सॉल्व किया हुआ है फिर भी डिफरेंशिएशन गलत आ रहा है। अब ऐसे ऐसे मत करो भाई, थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि आप ये देखो तो सही पीछे के अपन ने क्या किया हुआ है, कहीं ऐसे कुछ किया हुआ है क्या।
इस वाले पार्ट को मैं यहाँ साइड में सॉल्व कर रहा हूँ, नीचे वाले को, है ना।
से पी वन पी टू आए। सॉरी, ये करने की जरूरत नहीं थी अपन को, ये करने की जरूरत नहीं, सॉरी, क्योंकि अपन को निकालना क्या है, एस वन वन और एस एस वन और एस वन टू। वन टू का मतलब क्यू वन का क्यू टू के रेस्पेक्ट, मैंने क्यू टू का क्यू वन के रेस्पेक्ट में कर दिया, इसकी जरूरत नहीं थी। यहीं पर अपन क्या करेंगे, Q1 सिमिलरली ओनली चेंज इन P2 एंड P1 और Y कांस्टेंट, तो इसके अंदर करेंगे डिफरेंशिएशन Q1 विद रेस्पेक्ट टू P2। तो P2 करेंगे तो एक तो ये आएगा और एक ये आएगा, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस पी वन पी टू लैम्डा। आपको नीचे वाला पार्ट तो बिल्कुल सेम रहेगा, और यहां पर आएगा क्या है पी टू के रेस्पेक्ट, तो क्यू टू किससे मल्टीप्लाई होगा, तो ये बाहर आएगा कितना माइनस Q2। ये जो है वो क्या हो गया S12, S12 की जो वैल्यू है वो क्या हो गई माइनस पी टू स्क्वायर लैम्डा, सॉरी माइनस पी वन पी टू लैम्डा, और ये हो गया क्या टू आर क्यू वन रेस्ट टू पर आर माइनस वन पी वन पी टू माइनस आर आर माइनस वन क्यू वन रेस्ट टू पर आर माइनस टू क्यू टू। अब इसको उसमें लेफ्ट हैंड साइड में पुट कर देंगे, S11 P1 प्लस S12 P2। और वैसे एक्चुअल में क्या होता है, ये होता क्या है कि अगर वो नहीं दिया हुआ होता तो ये आता क्या लैम्डा D11 लैम्डा D11 वन वन अपॉन डी पी वन होता है, और ये होता है क्या लैम्डा D21 वन अपॉन डी पी टू होता है, ये ऐसा होता है। लेकिन अब यहाँ पे D जो है वो क्या बोलते हैं बी एस डी का वाला पार्ट नहीं है, तो इसलिए अपन ने इसको सॉल्व किया है ना, तो उससे कोई फर्क नहीं आएगा, वो तो कॉमन हो जाएगा और ऊपर ऊपर का जीरो हो जाएगा ये। तो यहाँ पर अपन क्या कर रहे हैं
इसकी वैल्यू रखी और यहाँ से पी वन से मल्टीप्लाई है इसको, तो क्या आएगा माइनस पी वन पी टू स्क्वायर लैम्डा, और नीचे आएगा क्या टू आर क्यू वन रेस टू पावर आर माइनस वन। यहाँ से भी मैंने ये पी वन पी टू रह गया, टू आर क्यू वन आर माइनस वन पी वन पी टू माइनस आर आर माइनस वन क्यू वन रेस टू पावर आर माइनस टू क्यू टू। और यहाँ पे आ गया दूसरा, ये लेंगे तो यहाँ पे प्लस का साइन है और एस वन टू की वैल्यू क्या है पी वन पी टू पी टू, और यहाँ पी टू और है तो ये क्या आएगा पी टू स्क्वायर लैम्बडा। तो ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, दोनों सेम है। तो ये पूरी वैल्यू से कट जाएगी, या इसको अपन एक लाइन और बढ़ाना चाहते हो तो इसको ऐसे लिख सकते हैं टू आर क्यू वन रेस टू पावर आर माइनस वन पी वन पी टू माइनस आर आर माइनस वन क्यू वन रेस टू पावर आर माइनस टू क्यू टू। ये अपन ने क्या किया पूरे के पूरे को नीचे के कॉमन ले लिया, और इसके अंदर क्या बच गया यहाँ से बच गया क्या पी वन पी टू स्क्वायर लैम्डा, और ये बच गया क्या पी वन पी टू स्क्वायर लैम्डा। तो ये क्या हो जाएगा कट जाएगा, कटने का मतलब क्या हो गया जीरो आ गया, तो क्या हो गया ये जीरो हो गया। ऐसे होगा, क्या कहते हो मैडम जी? हाँ जी फिर, अरे उसका कह रहा हूं ना, वो तो उसका किया है पहले, तो दो बार तो आपने काट काट के भेजा है, पहले एफ वन कर रहे थे आप। कोई बात नहीं, अब वो भाई अच्छे में क्या है, वो समझता नहीं है कि वो पूजा मैडम से करवाना चाहता है, इसलिए क्या बोलते हैं वो एफ नहीं देता है। अब ये कोई ये अब इस चीज का ध्यान रखने का, वैसे तो क्या है ये दिया हुआ है क्वेश्चन आया हुआ है, अगर इसके ऊपर यहाँ पे कुछ भी होगा ना, कुछ भी यानी कोई भी यूटिलिटी फंक्शन होगा ना, वो हमेशा हमेशा वही चीजें पोजिशन आएगी, उसके अंदर नीचे वाली चीज से घबराना नहीं है। नीचे वाली चीज तो क्या हो जाएगी इसके अंदर, सॉरी नीचे वाली चीज तो हमेशा दोनों में कॉमन आएगी और ऊपर ऊपर में ही वो कट जाएगा, तो इससे घबराना नहीं है कि सर इसको ये इतना बड़ा चल रहा है कैसे कटेगा पिटेगा क्या होगा, चलने तो जैसे चलता आ रहा है और अपने आप ही वो सारी चीजें रिजॉल्व होकर आ जाएंगी। थोड़ा सा ऐसा लगता है स्टार्टिंग के अंदर कि सर इतना लेंदी है, इतना कैलकुलेशन नहीं होगा, वो नहीं होगा। हाँ तो उसके बाद उसके लिए क्या होता है कि एक खाली ड्यू की बोतल रख लो 2 लीटर की, तो उसके बाद क्या होता है डर के आगे वो है। चलिए अब सेकंड वाला कौन सा है, हाँ तो वो भी किसी ने नहीं किया, ये तो गलत बात है यार, ये तो बिल्कुल भी गलत है, मतलब ये तो प्रेरणा आपने क्यों नहीं किया भाई वो क्वेश्चन? मैं तो ध्यान ही नहीं था कि वो क्वेश्चन भी दिया है। और उसने भी सोनिया ने भी नहीं किया, जबकि वो क्वेश्चन तो करके आए ना भाई, वो तो यूटिलिटी एग्जामिनेशन के अंदर दोनों क्वेश्चन करके आए। एक मिनट रुक जाओ, मेरे को नीचे चला गया वो, ये है तो पीडीएफ, ले मेरे पास व्हाट्सएप आता है तो व्हाट्सएप में, मैडम आपने परसों दिया था तो आप नीचे ढूंढना पड़ेगा ना। नहीं 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 मतलब जो बहुत भीड़ हो गई, अब ये दोनों क्या नाम है पूछो,
इसमें तो कुछ भी था नहीं ना। ये तो ठीक है, Q1 Q2 की वैल्यू तो सेम आ गई। अब उसके बाद उसी की बात तो पूछ रहा है कि वो ऐसा क्यों कर हो रहा है। अच्छा, ये समझ में नहीं आया। इसके पीछे मैंने वो कोई लिखा था 1.5 log Q1 Q2, तो वो खांगे आपके तो है ही नहीं इसमें। आपने तो उड़ा दिया उसको। अरे वाह मैडम, एग्जामिनर भी सोचेगा कि भाई बच्चा जरूरत से ज्यादा ब्रिलियंट है। नहीं, आपको मनवाया तो इसको ले लिया, मनवाया तो इसको ले लिया, इसको इसको अलग कर दिया, इसको अलग कर दिया। इन दोनों क्वेश्चन के अंदर जो सब्जेक्ट है वो है 100 = 3Q1 + 4Q2। ठीक है, इन क्वेश्चंस को अपन लैग्रेंजियन से सॉल्व करेंगे, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ। तो क्या आएगा, इसके अंदर Q1 की जो वैल्यू है वो आएगी कितनी, 20, और Q2 की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 10। ये दोनों में सेम आएगी। मैडम माइक ऑफ करो, है ना, दोनों में सेम आएगी। अब ये इसके अंदर पूछा है हमने रीजन कि ये दोनों में सेम क्यों आएगी, दोनों में सेम क्यों आएगी। तो इस सेम को लाने के लिए हम देखेंगे ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो यहां पर क्या करेंगे, V इज इक्वल टू, इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं Q1 की पावर 6 Q2 की पावर 4 + ये हो जाएगा क्या, log Q1 की पावर 1.5 प्लस log Q2, इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं Q1 की पावर 1.5 Q2, और इसकी होल पावर क्या कर दी अपन ने, 4 कर दी। और इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं log Q1 की पावर 1.5 और ये Q2, क्योंकि मल्टीप्लाई हो गया। अब क्या हो गया, V इज इक्वल टू क्या हो गया, U की पावर 4, और ये हो गया क्या, log U। अब इसको अपन ने डिफ्रेंशिएट किया U, तो क्या आ जाएगा, V विद रेस्पेक्ट टू U, तो कितना आएगा, 4 U की पावर 3, सॉरी 4 U की पावर 3 प्लस 1/U, और ये क्या है, पॉजिटिव है और वेरिएबल है, तो क्या हो जाएगा, ये MIT है। तो लिखेंगे V इज ए MIT ऑफ U, सो बोथ कमोडिटी, बोथ यूटिलिटी फंक्शन, बोथ यूटिलिटी फंक्शन ऑप्टिमम, ऑप्टिमम कमोडिटी बंडल सेम। लेकिन लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देखेंगे तो क्या होगा, यू में अपन Q1 Q2 की वैल्यू पुट करी, तो Q1 की वैल्यू कितनी है, 20 की पावर 1.5, और इसमें कितनी है, 10 की पावर 1, तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं 20 की पावर 1 और 20 की पावर 0.5, और इसको लिख सकते हैं 10, तो ये कितना हो गया, 200, और इसको 0.5 को अपन अंडर रूट लिख सकते हैं। तो इसका लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन कितना है, 200 × √20, और इसका आएगा कितना, यहाँ पे पुट कर दिया, तो यहाँ पर अपन ने लिखा क्या, 200 √20, क्योंकि यू है, तो इसकी पावर 4 प्लस लॉग 200 √20। तो इसका लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन इसके लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन से क्या है, डिफर कर रहा है, यानी ये हायर लेवल पर है। तो हमने ये लिखवाया था कि अगर कोई भी यूटिलिटी फंक्शन किसी भी अनदर यूटिलिटी फंक्शन का रूपांतरण है, चाहे वो LIT हो चाहे वो MIT हो, उसके कमोडिटी बंडल जो होंगे, कमोडिटी बंडल यानी Q1 Q2 की वैल्यू सेम आएगी, लेकिन उसके अंदर जो लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन है वो डिफर करेगा।
ये पार्ट वन क्या है। और बताइए प्रेरणा, एक बार आप ऑन करो। आप क्वेश्चन क्यों नहीं सॉल्व करते हो भाई, आप टाइम क्यों नहीं देते हो इसको? अरे वेरिएबल इनटू में भी हो सकता है, डिवीजन में भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। यहां पे भी तो आया ना, ये वेरिएबल जो है नीचे आया ना यू। अरे कोई भी एनी यूनिट जो क्या बोलते हैं चेंजेबल है वो वेरिएबल है। और जो अगर कोई न्यूमेरिकल वैल्यू आ रही है जैसे 10 है 5 है कोई भी एक वो वैल्यू आ रही है वो सारी कॉन्स्टेंट है। अब आपने उसी के बाद दूसरा क्वेश्चन सॉल्व कर रखा है, उसके अंदर आपने उसको वेरिएबल यूज कर रखा है आप, है ना। एक चीज और मैं बता रहा हूं, आपके पास आपके घर में छोटे भाई बहन है कोई? कौन सी क्लास में है? छोटा है। और कोई है? मतलब मेरा ये कहना चाह रहा हूँ कि आप है ना अपने छोटे भाई बहन की जो क्लास की 7th या 8th क्लास की जो सिंपल जो मैथ्स की बुक होती है ना उसको साथ में करो, है ना। तो वो एक बार आप छोटा छोटा टाइम से निकाल के करो कि ये आपके संग जो प्रॉब्लम आ रही है वो सिर्फ और सिर्फ यही आ रही है कि जो आपकी जो बेसिक मैथ्स जो होती है ना 6th 7th 8th क्लास की वो आपकी पुअर है। तो वो आपकी नहीं, क्या मतलब इस बैच में सभी की पुअर है, तो उसकी वजह से ये सारी चीजें हमको दिक्कत कर रही है ना। आपको देखो डिफरेंशिएशन में प्रॉब्लम नहीं आ रही, मेरा जो टॉपिक है ना मेरे टॉपिक में प्रॉब्लम नहीं है। अब वो जो बेसिक आपका प्रॉब्लम है ना सबका, वो अब वो काम अब मतलब कहने का मतलब पीजी क्लास के अंदर हमको करना पड़ रहा है। नहीं अरे इसको सॉल्व करेंगे भाई, ये 20 मार्क्स का क्वेश्चन है। मैं तो लास्ट का ये तो इन्होंने कर रख लिया, तो इन्होंने मैडम ने, और ये क्वेश्चन तो अपने यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन में कर रखे ना, दोनों क्वेश्चन कर रखे वैसे ही होगा ये तो, है ना। एक 20 मार्क्स का क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, उसके पीछे ये रीजन पूछा हुआ है, तो 5 मार्क्स का ये पार्ट है और 15 मार्क्स का वो पार्ट है। तो उसके अंदर BSD नहीं निकालनी है दोनों की, आपको सिर्फ Q1 Q2 निकालना है, ये आएगा उसके बाद फिर आपको ये चीजें करनी। हाँ मैडम आप कुछ पूछ रहे हो? कुछ पूछ रहे हो मैडम? हाँ जी हाँ करना है भैया। देखो एक्चुअल में क्या होता है, जब एग्जाम होता है ना एग्जाम के टाइम के अंदर आपको बढ़िया बन जाना चाहिए, बढ़िया मतलब गुप्ता जी जो दुकानदार होते हैं, यानी आपने मांगा 50 ग्राम तो 50 ग्राम ही तोल के देना, ना 51 ना 48, है ना। तो अगर ये 20 मार्क्स का क्वेश्चन है तो सॉल्व करके देना, अगर ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो फिर आपको बोलते सीधा यहां से यहां तक क्या देना है। ये तो आपको फिर ये तो प्रेजेंस ऑफ माइंड रखना पड़ेगा ना वहां पर कि भाई किस तरह टाइप का क्वेश्चन आया तो उसी टाइप का अपन को करना है। उसने तो ये पूछा है कि भाई क्या बोलते हैं ये ऐसा क्यों हुआ, तो अपन सीधा ही लिखेंगे, अपन को तो मालूम है कि ये कंडीशन तो मालूम है ना, ये तो मैंने आपको नोट कराई है कि अगर कोई भी प्रोडक्शन कोई भी यूटिलिटी फंक्शन किसी दूसरे का उपयोगिता फलन का क्या बोलते हैं रूपांतरण है तो उसके कमोडिटी बंडल होंगे, तो आप लिखेंगे वी नो दैट, हम जानते हैं कि ये ऐसा होता है। अब वो उसके अंदर ये क्यों हो रहा है, क्योंकि यह ट्रांसफॉर्मेशन है, तो ट्रांसफॉर्मेशन निकाल देंगे और लास्ट में लिख देंगे कि वी इज MIT ऑफ यू, है ना। इसलिए क्या बोलते हैं दोनों की वस्तुओं की जो मात्राएं है वो समान है लेकिन लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन अलग अलग है।
ठीक है, अब अपन मंडे को करेंगे ना, अभी क्लास नहीं कर रहा हूँ।